सुप्रभात छात्रों, न्यू ज्योति एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज वर्ग अष्टम से हिंदी विषय में हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं। 5-12 प्रस्तुत कथा इम्तियाज अली द्वारा लिखी गई है और इस कथा में उन्होंने चाचा के केले खरीदने और उनके पेटूपन की बात को बहुत ही हास्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसे आप हास्य कथा समझ सकते हैं। इसमें चाचा छक्कन जी पेटू किस्म के आदमी हैं, वाकपटु भी हैं, बोलने में बहुत चतुर हैं, काम निकालना जानते हैं। उनका नौकर है बिंदु। इसमें और भी कुछ प्रमुख पात्र हैं, जैसे चाचा छक्कन जी, छुट्टन की अम्मा यानी चाचा छक्कन जी की पत्नी, लल्लू, दद्दू, बिन्नो, छुट्टन वगैरह। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक रोज चाचा छक्कन और बिंदु के सिवाय घर पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार चढ़ गया था। चची जान दोपहर के खाने के बाद उन्हें देखने के लिए चली। वे बिन्नो को घर पर ही छोड़े जा रही थी। बिन्नो जो उनकी बेटी है, तो चचा ने कहा कि बीमार को देखने जा रही हो तो शाम तो हो ही जाएगा, शाम से पहले क्या लौटोगी, इसलिए छोटी बच्ची है, घबराने लगेगी, रोने लगेगी, इसलिए इसे भी अपने साथ लेती जाओ। इस बात को सुनकर चची बड़बड़ाने लगी, किंतु फिर भी अपने साथ उसे ले गए। नौकर चची को मीर मुंशी शाह के घर तक पहुंचाने का काम किया। लल्लू सुबह से ही अपने मदरसे के क्रिकेट मैच में गया हुआ था। दद्दू चचा से इजाजत लेकर के तमाशा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशा में जा रहा है, तो ऐन वक्त पर वह मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। जिद करने पर चचा ने उसे भी अनुमति दे दी, इजाजत दे दिया और साथ में ये बात कही कि चची कहीं मिलने के लिए गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाजत लेना थोड़ा मुश्किल वाली बात है। तो ऐसे स्वर्ण अवसरों पर चाचा छक्कन अकेले रहना ज्यादा पसंद करते थे। जिन कार्यों पर बहुत समय तक किसी का ध्यान नहीं गया, घर के बहुत सारे काम हैं जिस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन तमाम कामों को ढूंढ ढूंढ करके वे निकालते थे। चूंकि चची गैरहाजिर थी और उनकी गैरहाजिरी में घर के तमाम पीतल के बर्तनों को आंगन में जमा करवाया, बिंदु को बाजार भेजा गया कि जाओ जाकर दो पैसे की इमली ले आओ। आंगन में मोढ़ा डाल करके वो खुद बैठ गए और व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। पीतल के लोटे में इमली भिगोई गई, बिंदु को कहा गया कि जाओ बावर्ची खाने से राख लेकर के आओ। बिंदु अभी राख लाने भी नहीं जा सका था, पहुंचा भी नहीं था कि बाहर दरवाजे पर एक फल वाला आया और फल वाले ने आवाज लगाई। उसकी आवाज को सुनकर कुछ देर तक तो चचा खामोश बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया उसका, लेकिन आवाज से
मालूम हुआ कि फल वाला अब वापस जाने वाला है। बेचारे बेबस हो गए, मजबूर हो गए, क्या करे क्या ना करे। उसने बिंदु को आवाज लगाई, अरे ओ बिंदु जरा जाकर देखियो, जरा देखियो तो केले किस हिसाब से देता है। बिंदु वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन है हुजूर। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वो दाम भाव मोल में कुछ कम नहीं कर रहा है, यानी यहां पर चचा ने भाव मोल का सिलसिला जारी किया। 6 आने दर्जन का क्या मतलब हुआ? 24 पैसे के 12, 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे का 1। महंगे हैं, जाकर कह दो 3 पैसे के 2 देता हो तो दे जाए। ना हां का सिलसिला जारी हुआ और अंततः उसने पूछा, फल वाले ने बोला, अच्छा बताओ कितने लेने हैं। बिंदु के अंदर आने से पहले ही चचा मोड़े पर आकर के बैठ गए और बोले, मान गया? क्या मान गया? हम कहते थे मान जाएगा, हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ हैं, ये लोग ऐसा ही बेचता है दाम बढ़ा चढ़ा कर, तो कह के ले लेना मुनासिब होगी। चचा अपनी उंगलियां निकाले, उंगलियों पर गिनने लगे, इधर में कितने व्यक्ति हैं, उन्होंने जोड़ा, हम, चुट्टन की अम्मा, लल्लू, दद्दू, बिन्नू और चुट्टन, तो कुल 6, 6 दुनी 12, यानी 1 दर्जन केला लेना मुनासिब समझा, ताकि हर आदमी को 2-2 केले पड़ेंगे। फल से पेट तो भरा नहीं जाता है। चचा बिंदु से बोले, जा 2-3 गुच्छे ले आ, हम खुद तजवीज करके अच्छे अच्छे केले छाट लेंगे। बिंदु केले के कई गुच्छे ले आया, चचा ने छाट कर दर्जन भर केले उससे रख लिए। अब सोचो आज के समय में कोई केला छूने भी नहीं देगा कोई दुकानदार, लेकिन चचा छक्कन को ठहरे आखिर चाचा। उसने उसमें से छाप छूट करके 1 दर्जन केले निकाल लिए, बिंदु केले अंदर रखाया और बाबरची खाने से राख लेकर के बर्तन मानने लगा। यूं, अरे क्या कर रहा भाई, जरा जोर लगा कर मानना, ऐसे कहीं साफ होने वाला है। और जोर लगा ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े और ये पीतल के बर्तन चमचमा जाए। इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आएगी? हाँ, यूं बस मंज गया, अब रगड़ उस पर इमली, पहले राख से फिर इमली से, इमली के पानी से उसको रगड़ो, देखा मैल किस तरह कटता है, कैसी चमक आती है। यह इमली बड़े काम की चीज है, मगर बिंदु मेरे भाई, उन केलों में से मेरे हिस्से के 2 केले ले आ। 2 केले ले आ। बिंदु उठ करके केला ला दिया। चचा ने उगड़ू बैठे बैठे पैतरे बदल रहे थे और केलों को मजे से छीलकर खाना शुरू किया। अच्छे हैं केले, केले अच्छे। बिंदु जोर जोर से रगड़ बर्तन, अरे वाह क्या कर रहा है, जरा जोर से बर्तन रगड़ना, अभी चमक उठेंगे, चुट्टन की अम्मा देखेगी तो समझेगी आज ही नए बर्तन की खरीदारी हुई है। अरे हरे लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए तो कितने की आई थी इमली? 2 पैसे की ना, केवल 2 ही पैसे की इमली आई थी ना, तू ही तो खरीदार था, तू ही लाया था, और फिर जो कुछ किया तूने अपने हाथों से किया, तू इससे आंख बचाकर हमने तो कुछ मिलाया ही नहीं, बस ये सब करामत किसकी है? इमली की। किसकी करामत है? इमली की। किसने कहा? चचा ने कहा। चचा जी ने कहा, अब क्या केले बाकी रह गए हैं? 10। यदि हम शरीक ना हो तो सबको 2-2 केले मिल जाएंगे, यानी हमको हटा दिया जाए तो बाकी 5 आदमी बचे हैं, 5 गुना 10 केले लग जाएंगे, लेकिन सबने मिलकर शरीक होने के लिए हमसे अगर कहा तो फिर क्या करेंगे? अगर सबों ने जीत किया कि नहीं आपको भी खाना होगा, मुश्किल हो जाएगी, बराबर बराबर बांटने के लिए केले को काटने पड़ेंगे,
काटने से सर की मिट्टी पलित हो जाएगी। हम कहते हैं दो दो न सही, एक एक हो, मगर खाए सब हंसी खुशी से। तो इस सूरत में कह के लिए जरूरत से ज्यादा बचे चार ना, मेरे ख्याल से वे चारों केले ले आ। फिर इत्मीनान से बारी बारी से उन्होंने केला खाना शुरू किया। हाँ तो तुझे भी पसंद आई ना इमली, असंख्य लाभों वाली चीज है, मगर क्या करें इस जमाने में देश की चीजों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यहां इमली अगर बिलायत से डिब्बों में बंद होकर के आ रहा है, अगर बिलायत से डिब्बे में बंद होकर के आए तो उसका वैल्यू बढ़ जाए, जनाब लोग उस पर टूट पड़ेंगे, मनचाहा पैसे भी उस पर देंगे। हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता है। इसमें और भी बहुत सारे गुण हैं। इसका शरबत गर्मियों में अमृत के समान होता है। मितली अगर आवे तो उसको रोकता है, पित्त के लिए लाभदायक है। तो पित्त के बारे में तुझे फिर कभी समझाएंगे, अभी उसको समझने की जरूरत नहीं। हाँ तो अब छह केले ही बाकी रह गए हैं ना। हाँ छह केले रह गए, ठीक है ठीक है। सबके हिस्से में एक एक आ जाएगा, जिसका जब जी चाहे अपना केला खाए, हमारा आज जी चाहा तो खाने बैठ गए, वरना दुकानों पर बीसियों मर्तबा केले रखे देखे, कभी खाने की इच्छा नहीं हुई, अब फिर न जाने कब जी चाहे, अभी मन हो गया तो खा लेते हैं। शाम को जब तक सब लोग घर आएंगे तब तक जी रहे या ना रहे, हो सकता है मन ना हो। तो ये केन प्रकारें चाचा छक्कर ने करते 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 सारे केले को चक्कर है। बिंदु ने चाचा जी की आज्ञा का पालन करते गया, चाचा केला खाते गए, तो ये देखकर क्या सूरत निकल आई है बर्तनों की। वे बर्तन की बाबाई कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, ताकि बिंदु भी अपना काम करता चला जाए। जो देखेगा यही समझेगा अभी अभी बाजार से मंगवाकर ये बर्तन रखे गए हैं, छुट्टन की अम्मा तो कम से कम वो तो जरूर चौंक जाएगी। वो बिंदु को समझाते हैं कि तुमसे पूछे तो कह देना मियां सारी दोपहर बैठकर बर्तन साफ कराते रहे, पर एक बात, इमली का जिक्र ना आने पाए, उनके सामने इमली का जिक्र मत करना। कह देना मियां ने एक नुस्खा तैयार किया था बर्तन साफ करने का, उन्होंने उस नुस्खे के मुताबिक बर्तन साफ करा। तो चचा ने कुछ सोचते हुए कहा, लल्लू के खाने पीने का इंतजाम तो टीम वालों ने कर ही दिया होगा, उसने आज खूब तर माल उड़ाया होगा। दद्दू और छुट्टन तो टिकट के दाम के साथ खाने पीने के लिए भी पैसे ले गए हैं, तो उधर ही खा लेंगे। यानी इस प्रकार कुछ ना कुछ बहाना करते हुए, किसी को बदहजमी का, किसी को कुछ चीज का करते हुए उन्होंने सारे केले चेक कर गए। तो अब खरीद लिए हैं तो ठिकाने तो लगाने ही पड़ेंगे, फेंकेंगे तो नहीं, और ऐसा कर करके वो बचे खुचे केले भी खा लिए। तो इम्तियाज अली ने बहुत ही हास्यात्मक ढंग से इस कथा को लिखा है। इस कहानी को पढ़ने में काफी आनंद आया। तो आज ये कहानी यही समाप्त होती है। फिर अगले कक्षा में, धन्यवाद।